गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने क्लास सिक्स के ज्योग्राफी पार्ट को हम स्टडी कर रहा है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ यह सिंबोलिक करता है कि हमारे अर्थ का मोशन किस तरह का है। हम बात कर रहे हैं मोशन की, यानी गति के विषय में पृथ्वी के। पृथ्वी गति किस प्रकार की होती है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्या पृथ्वी कोई ऐसी गति करती भी है कि नहीं करती है। बहुत साल पहले तमाम साइंटिस्ट ने इस पर खोज किया, खगोल शास्त्रियों ने बहुत रिसर्च किया और यह पाया कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं। उसमें हमारा एक सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, जिसका मुखिया सूर्य है, सूरज है, और उसी के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। अब ये जो उसके चारों ओर परिभ्रमण करते हैं सभी ग्रह है, तो ये साबित हो जाता है उसमें आठों ग्रहों में हमारा पृथ्वी भी शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे महत्वपूर्ण मोशन है वह है रिवोल्यूशन। निकोलस कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट था, उसने प्रूव किया, उसने बताया कि अर्थ जो है एक सिस्टम से मोशन करती है, उसका मोशन है, उसमें मोशन है। पहले उसने बताया कि वो स्टेशनरी है, बाद में बताया उसमें मोशन है, और वो ना सिर्फ चारों तरफ सूर्य की घूमती है बल्कि अपने एक्सिस पर भी घूमती है, जिसको हम लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं। यानी अब हमारे सामने यह प्रूव होता है कि अर्थ की दो महत्वपूर्ण मोशन जिसमें आते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है रोटेशन। रिवोल्यूशन यानी हमारे सामने दो महत्वपूर्ण मोशन पृथ्वी के सामने आते हैं, जिसका नाम है एक का रोटेशन और दूसरे का रिवोल्यूशन। अब इन दोनों मोशन को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से जानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोटेशन की। रोटेशन होता क्या है कि रोटेट करना यानी घूमना। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है वह ऐसे घूम जाए वो रोटेट करती है, या फिर आप फैन को देखते हैं, फैन ऐसे स्थित होता है चारों तरफ घूमने लगता है वह रोटेट करने लगता है, या फिर आप पहिए को देखते हैं उसका व्हील ऐसे रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, और वह किस एक्सिस पर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं पहिए की, तो एक सेंटर पर निर्भर करता है और चारों तरफ घूमने लगता है, उसका नाचने लगता है। फैन की बात करूं उसमें तीन प्लेट लगे होते हैं, ये जो उसका ब्लेड लगा है इसके चारों तरफ घूमने लगता है। इसी प्रकार से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक सेंटर के हिसाब से चारों ओर घूमने लगे, यानी एक एक्सिस एक पॉइंट के हिसाब से चारों ओर अपने ही केंद्र पर घूमने लगे, रोटेट करने लगे, उस मूवमेंट को, उस मोशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट दैट ओन एक्सिस अपने ही अक्ष पर घूमना, मतलब एक बिंदु पर एक एक्सिस पर ही घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी के रोटेशन में सबसे बड़ा यह महत्वपूर्ण है कि यह एक फिक्स पाथ में, मतलब अपने ही बिंदु पर ही घूमता है, और इसको घूमने का डायरेक्शन है वह वेस्ट टू ईस्ट। ये होता है रोटेशन। अब हम दूसरे शब्दों में बात करेंगे रिवोल्यूशन की। तो रिवोल्यूशन जो होता है वह होता है कि सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में घूमना, यानी सन के चारों, यानी यहां पे सन स्थित है सपोज करें, तो एक फिक्स पाथ में यानी इसी पाथ में हमारी अर्थ का घूमना। ऐसे चारों ओर पृथ्वी का जो है घूमते रहना, ये कहलाता है रिवोल्यूशन।
यानी हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण मोशन की, तो पृथ्वी जो होती है वो सूरज के चारों ओर एक गति करती रहती है, चारों ओर एक गति में घूमती रहती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रिवोल्यूशन एक फिक्स पाथ पे होता है, यानी हर ग्रह का अपना एक फिक्स पाथ होता है, उसी पाथ पे उसी सर्किल में वह ग्रह घूमते हैं। यानी बात करें पृथ्वी की तो उसका फिक्स पाथ है, उसी में घूमेगा। मरकरी अपने फिक्स पाथ में घूमता है, वीनस अपने फिक्स पाथ में घूमता है, जुपिटर अपने फिक्स पाथ में घूमता है, सैटर्न अपने फिक्स पाथ में घूमता है, यूरेनस और नेपच्यून भी अपने फिक्स पाथ में ही घूमते हैं। और यही कारण है कि अगर आपस में टकराते कभी नहीं है, सबका अपना एक सर्किल बना है, उस सर्किल से बाहर कोई नहीं जाता है, उस सर्किल में सब लोग घूमते रहते हैं। इस विशेष सर्किल को जिसमें घूमते रहते हैं और चारों तरफ सन के चक्कर लगाते हैं, इस मोशन को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैंने बताया वो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। इसको और अच्छे जानने